हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। ये पार्ट 4 है, पार्ट 3 तक आपको कंप्लीट करा दिया गया है। तो अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब इस क्वेश्चन पार्ट का पहला क्वेश्चन, कौन सा सिस्टम वाहन को रोड के झटके एवं कंपन से बचाएगा? कंट्रोल सिस्टम, स्पेयरिंग सस्पेंशन सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम या स्टेयरिंग सिस्टम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि स्टेयरिंग सिस्टम डी, ठीक है, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारी वाहन का कौन सा भाग गति एवं स्थिर लोड बिना ये डिफ्रेक्शन और डिस्ट्रोएशन में इंगित करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसका 4 हो जाएगा, ठीक है, चेचिस ऑफ फ्रेम, ओके। स्टीयरिंग सिस्टम किस तरह से टायर जीवन सिस्टम किस तरह से टायर जीवन को बढ़ाता है, बताओ। टायर के बीच सही कोण का रखरखाव या आवश्यकतानुसार लुब्रिकेशन देना या स्टीयरिंग नियंत्रण में ग्रीस लगाना या फिर ब्रेक समायोजन प्रदान करना, तब सही ब्रेक समायोजन प्रदान करना। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, यानी टायरों के रख रखाव के बीच जो उनका सही कोण अगर रखते हैं तो आपका जो टायर है ज़्यादा दिनों तक चलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टीयरिंग पावर सिस्टम का क्या लाभ है? इंजन पावर बढ़ाना, इंजन की खपत को कम करना, फ्लू दस्ता को सुधारना या वाहन को एक शक्ति से मोड़ना एवं नियंत्रण करना, तो बताइए स्टीयरिंग पावर सिस्टम का क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, यानी कि वाहन की शक्ति से मोड़ना एवं नियंत्रण करना, यही स्टीयरिंग पावर सिस्टम का कार्य है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन, स्टीयरिंग प्रणाली का क्या कार्य है? प्रणाली को नियंत्रित करना, RPM को बढ़ाना या फिर वाहन को गाइड करना या फिर फ्यूल सिस्टम को नियंत्रित करना, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जो कि ये सी है, ठीक है, वाहन को गाइडेंस करना, ठीक है। आगे चलते हैं। IBM का क्या कार्य है? IBM ब्रेक्स है, यहाँ लिखा है IBM ब्रेक्स का क्या कार्य है? पॉजिटिव प्रयोग, फ्रिक्शन शक्ति को बढ़ाना या कि वाहन को फिसलने से रोकना या फिर ब्रेक फेल को रोकना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाहन को फिसलने से रोकना, यही जो होता है ABS ब्रेक्स का यही कार्य होता है, जो वाहन को फिसलने से रोकना, ठीक है। आगे चलते हैं। पेडल प्ले कितने रेंज तक अनुमति है? इसका 6 से 10 mm या 2 से 4 mm या 15 से 18 mm या 16 से 20 mm? तो इसका पहला आंसर हो जाएगा 6 से 10 mm, ओके। तो आगे चलते हैं। उच्च गियर में उच्च गति प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रकार की ड्राइव लाइन प्रयोग की जाती है? फ्रंट व्हील ड्राइव लाइन, रियल व्हील ड्राइव लाइन या फिर सभी व्हील ड्राइव लाइन या फिर सेंटर व्हील ड्राइव लाइन? तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी व्हील ड्राइव लाइन, ठीक है, सी आंसर, ऑल व्हील ड्राइव लाइन, ओके। तो आगे चलते हैं। किस प्रकार के गियर बॉक्स को अनिपूर्ण ड्राइव द्वारा प्रयोग किया जाता है? पहला सिंक्रोमैस गियर बॉक्स, स्लाइडिंग गियर बॉक्स या कंटेंट मैस गियर बॉक्स या फिर कंपाउंड्स व्हील्स मैस गियर बॉक्स? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी कि सिंक्रोमैस गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। किस प्रकार के सिंक्रोमैस गियर बॉक्स 3 bar से अधिक अन्य प्रकार के टार्क का उत्पादन करेगा? तो इसका पहला वो है ब्लॉक टाइप या ब्लॉक रिंग या फिर मल्टी और डबल कोन या फिर फोर्स टाइप? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, मल्टी एंड डबल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए किस प्रकार के सिंक्रोमैस गियर का प्रयोग किया जाता है बताइए। ब्लॉक टाइप, मल्टी और डबल कोन, या फिर ब्लॉक रिंग टाइप, या फिर पोर्च टाइप। तो इसका आपका सही हो जाएगा बी, मल्टी और डबल कोन टाइप। ठीक है, आगे चलते हैं। किस प्रकार के गियर एक्सल यर्स्ट उत्पन्न नहीं करते परंतु एक्सिल यर्स्ट को स्थिर करते हैं? तो पहला है बेवल गियर, हियरिंग गियर, या फिर स्पर गियर, या फिर वॉर्म गियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा। ठीक है, ये बी हो जाएगा, हियरिंग वॉर्म गियर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। किस प्रकार के गियर्स संपर्क में आने से कांटेक्ट यानी कि क्लिंग की आवाज़ उत्पन्न करता है? स्पर गियर, बेवल गियर, हेलिकल गियर, या फिर वर्म गियर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, स्पर गियर। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोपेलर शाफ्ट से किस प्रकार से कनेक्ट होता है, कनेक्ट होता है, सॉरी, प्रोपेलर शाफ्ट से किस प्रकार से कनेक्ट होता है? तो पहला आंसर है क्लच शाफ्ट और फ्लाईव्हील, गियर बॉक्स और फाइनल ड्राइव, या फिर कैम शाफ्ट एवं क्लच शाफ्ट, या फिर क्रैंक शाफ्ट और फाइनल ड्राइव। 73 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बी, गियर बॉक्स और फाइनल ड्राइव होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा हिस्सा लचीला कनेक्शन प्रदान करता है और गियर बॉक्स से रियल एक्सल के लिए टोक़ के सुचारू हस्तांतरण की अनुमति देता है? यूनिवर्सल ज्वाइंट, फ्लाईव्हील ज्वाइंट, हाफ ज्वाइंट, या फिर क्लच ज्वाइंट। इसका आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। स्क्वायर कट सील की क्या आवश्यकता है? फ्यूड लीकेज को रोकने के लिए, या फिर ग्रू में सीलने के लिए, या फिर कुशलिंग प्रभाव प्रदान करने के लिए, या फिर रेडियल मूवमेंट का समापन करने, रेडियल मूवमेंट का सामना करने के लिए। 75 का भी, यानी कि ग्रू, जो ग्रू होता है में सील रोकने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। गियर स्लिप का समवांकित कारण क्या होता है? शिफ्ट लीवर का गलत चुनना, या फिर गियर का अत्यधिक अंत फ्लोर, या फिर क्लच क्लच एंगेजमेंट, या फिर वर्म वर्न क्लच प्लेट, वर्न आउट क्लच प्लेट। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, यानी गियर का अत्यधिक अंत फ्लोर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। किस गियर स्थिति में गियर लॉक का क्या कारण होता है बताइए। सिंक्रोमैस घिस जाना, या फिर दांते के घिस जाने, या सिंक्रोनाइजर यूनिट का अटकना, या फिर सही लुब्रिकेशन न होना। तो इसका जो सही कारण हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि सिंक्रोनाइजर यूनिट का अटकना। ठीक है, आगे चलते हैं। हार्ड गियर शिफ्टिंग को कैसे सुधार कर सकते हैं? तो हार्ड गियर जो आपका शिफ्टिंग को कैसे सुधार कर सकते हैं? तो पहला अपना यूनिट को लुब्रिकेशन करें, या चेक करें और ठीक करें, या क्लच पैडल फ्रिक्शन एडजस्ट करें, या फिर स्प्रिंग सही से दोबारा फिट करें। तो इसका आपका सही हो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्लच पैड और फ्लिक्सल सॉरी फिक्स फ्री प्ले एडजस्ट करें। ओके, ठीक हो जाएगा। ये न्यूट्रल अवस्था में गियर बॉक्स से आवाज आना किस दोष का कारण? सिंक्रोनाइजर यूनिट का अटक जाना, या बियरिंग खराब या सूख जाना, या फिर सिंक्रोनाइजर खराब हो जाना, या फिर घर्षण क्लच घर्षण डिस्क खराब हो जाना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बियरिंग जब खराब हो जाता है या सूख जाता है तभी उसमें आवाज आने लगता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दोषयुक्त दोषपूर्ण क्लच का क्या परिणाम होगा?
अगर मान लो किसी चीज़ में क्लच में दोष पड़े तो उसका क्या परिणाम हो, ग्रीन शिफ्ट में शोर या गियर क्लिप या एक गियर में गियर लॉक होना या फिर शिफ्टिंग के दौरान गियर अटकना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि गियर शिफ्टिंग में शोर होना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पार्ट 5 के लिए आप लोग इंतज़ार करिए। तब तक के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।